What's up guys, मेरा नाम है समीरन, आप देख रहे हैं जायरो गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है फिर से पीसी गेमिंग न्यूज के ऊपर। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लेट्स रोल द इंट्रो। How heavy is that? Light work and the pace on the track on my face and the back like I'm taking a slap. तो हमारा पहले नंबर पर जो गेम है उसका नाम है रोग हेस्ट। ये एक 6v6 मल्टीप्लेयर गेम है जो लाइफ लाइक स्टूडियो की तरफ से आ चुका है। ये गेम पहला इंडिया का गेम है जो आपको बहुत सारे मोड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेस्ट, रन एंड गेन और गैंग्स वॉर। इसमें रन एंड गेन है टीम डेथ मैच और गैंग्स वॉर है डेथ मैच। ये गेम बहुत साल पहले आ चुका है। तो ये गेम का बैट कंट्रोल और सर्वर प्रॉब्लम के कारण से ये गेम अभी तक स्टीम पे डेथ हो चुका है, लेकिन इसका जो कंपनी है वो सोच रहा है इस गेम को iOS एंड्रॉइड डिवाइस पर लॉन्च करेंगे। तो ये गेम जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे दूसरे नंबर पर जो गेम है उसका नाम है बैलेड ऑफ असुरा। ये गेम इंडिया के तरफ से आने वाला पहला शॉर्ट फाइटिंग गेम है जो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ आने वाला है। इस गेम को जो ग्राफिक्स और टेक्सचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो है अनरियल इंजिन। इस गेम का जो ग्राफिक्स और कैमरा एंगल और मॉडल स्ट्रक्चर है को काफ़ी अच्छा है, जो आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर में देख सकते हो। तो इस गेम मुझको तो गॉड ऑफ वॉर जैसे ही लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो ये गेम का जो बेसिस है वो इंडियन मिथ के ऊपर है, जो इस गेम के नाम से ही पता चल रहा है। तो ये गेम दिवाली में रिलीज होगा। तो अब ये गेम जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर चुके हो। तो गाइस हमारे थर्ड पोजीशन में आता है लास्ट लैंड, जो कि इंडिया की तरफ से आने वाला है। तो इंडिया का ये फर्स्ट हाई ग्राफिक्स FPS गेम होने वाला है, जिसका ट्रेलर पर ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो ये गेम बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड गेम है। तो इस गेम का डेवलप कर रहा है 15 साल के बच्चे ने। तो ये गेम उसने क्राई इंजिन के ऊपर डेवलप किया है। तो आप बेसिकली क्राई इंजिन के बारे में जानते हो तो आपको जानते ही होगे कि क्राई इंजिन में इन डिफॉल्ट एनिमेशन, टेक्सचर्स और मॉडल्स मिल जाते हैं, तो डेवलपमेंट क्वाइट ईजी हो जाता है। तो मैं हेट नहीं कर रहा, तो जब वो नेक्स्ट टाइम कोई और गेम डेवलप करेगा तो उसको खुद के मेहनत से ही करना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये गेम बेसिकली दिवाली में ही आने वाला है जहाँ तक मुझको पता है। तो ये गेम जब आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे फोर्थ पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है हाइपरस्केप। ये यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाला पहला बैटल रॉयल गेम होने वाला है। तो इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, तो आप ऑन स्क्रीन इसका ट्रेलर देख सकते हो। ये गेम पीसी गेम वैलोरेंट की तरह ही है। तो इसका बीटा आज ओपन हो चुका है, तो आप इस गेम को जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए। तो हमारे फिफ्थ पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है माफिया द रिमास्टर्ड। ये माफिया 1 का ही रीमेक वर्शन है। ये गेम 22 तारीख को अपना फुल गेम प्ले रिवील करेगा। तो इस गेम को आप अगस्त के महीने में एंजॉय उठा सकते थे, लेकिन ये गेम का जो कंपनी है वो एक मंथ डिले कर दिया गया है। तो इस गेम को आप 25 सितंबर को फुल एंजॉयमेंट कर सकते हो। इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, जो आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर देख सकते हो। तो ये गेम जब आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो हमारे सिक्स पोजीशन पर जो गेम है उसका नाम है क्राइसिस द रीमेक। ये क्राइसिस का ही एक रिमास्टर्ड वर्सन है। ये गेम 22 तारीख को रिलीज होने वाला था, लेकिन इस गेम कंपनी ने इसको डिले कर दिया है, क्योंकि ये गेम का जो ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर देख रहे हो वो पहले की क्राइसिस की तरह ही लग रहा है। तो इस गेम का जो ग्राफिक्स, टेक्सचर्स और मॉडल्स है उसको कंपनी ने बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए फिर से डेवलप कर रहा है। तो आप इस गेम को कुछ महीने बाद ही एंजॉय कर सकते हो। तो ये गेम जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सेवन पोजीशन में जो गेम है उसका नाम है होराइजन जीरो डाउन। ये पहले PS4 कॉन्सोल्स के लिए निकल चुका है, लेकिन आप अगस्त के महीने में ये PC वर्सन में भी आएगा। तो इसका जो प्राइस है वो 1100 रुपये, जो अदर्स कंट्री के मुकाबले काफ़ी कम है। तो आप अगस्त के महीने में इस गेम को खरीद कर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज हमारे 8 पोजीशन में आता है फायर क्राई 6। तो फायर क्राई के बारे में आप सब तो जानते ही हो। तो ये बेसिकली इस गेम का 6th पार्ट होने वाला है। तो ये गेम एक अल्टीमेट ग्राफिक्स के साथ आने वाला है, जिसका ट्रेलर पर ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो इस गेम का जो है वो पोस्टर जो है ये वो भी लीक हो चुका है, तो आप उसका भी ऑन स्क्रीन मजे उठा सकते हो। जब ये गेम आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो गाइस हमारे लास्ट पोजीशन में आता है हेलो 3। तो ये गेम बेसिकली बहुत साल पहले रिलीज कर दिया गया था, पर इस गेम का जो प्रॉब्लम था वो कई कई PC में नहीं चलता था ये गेम। तो इस गेम का जो डेवलपर है वो एक अल्टीमेट ग्राफिक्स के साथ इस गेम को 14 जुलाई को रिलीज करने वाले हैं। तो आप इस गेम को 14 जुलाई में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।